हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले टॉपिक में हम बात करेंगे ईबे के बारे में। सेकंड टॉपिक में मैं आपको कुछ अपडेट्स बताऊंगा अपनी वेबसाइट के बारे में। थर्ड टॉपिक जो है वो हमारे न्यू सेलर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, अभी अभी का मतलब जिन्हें 2-3 महीने हो चुके हैं वो भी न्यू सेलर्स ही हैं, तो थर्ड टॉपिक उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, ईबे के बारे में। ईबे में जो अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं वो पेमेंट को लेके मिल रही हैं। ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो ग्रुप में भी मुझसे यही पूछते हैं कि ईबे में कितने दिन में पेमेंट मिलता है, मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईबे में अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है अभी तक, या अगर ईबे पे आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपना अकाउंट वेरीफाई ज़रूर करा लें, वरना ईबे आपको इन फ्यूचर परेशान कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे भी इस बार ईबे से पेमेंट नहीं मिला। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, करीब 2-3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। और अब आके जब मैंने उसकी इंक्वायरी की तो मुझे पता लगा कि मेरी जो ईबे ने केवाईसी है वो रिजेक्ट कर दी है। वही केवाईसी जिस पे ईबे मुझे पहले पेमेंट दे रहा था, अब उनके हिसाब से वही केवाईसी जो है सही नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स वो दोबारा से मांग रहे हैं। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटस है, योर पैसा पे केवाईसी वेरिफिकेशन इज इनकम्प्लीट। अगर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कराना है तो ईबे आपसे अकाउंट स्टेटमेंट मांगेगा। दूसरा, आपको बैंक से एक डिक्लेरेशन लेटर लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ऑर्डर्स के ऊपर, ईबे के ऊपर बिजनेस कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम कंपैरिजन करें फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो ईबे के ऊपर बिजनेस जो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर बिजनेस है मेरे हिसाब से। तीसरा, ईबे का बायर कैसा है। अगर मेरा फिलहाल का अगर एक्सपीरियंस है तो ईबे का बायर सबसे ज्यादा फ्रॉड है। ईबे पे फ्रॉड करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बोल रहा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के फ्रॉड हुए हैं मेरे साथ, जो पहले नहीं हुए थे। अगर अब से मैं 2 साल पहले की बात करूं तो ये फ्रॉड मेरे साथ 2 साल पहले नहीं हुए थे, और पहले मुझे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फीडबैक भी मिले थे ईबे के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल ईबे के ऊपर जो है वो फ्रॉड बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉलिसीज जो हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि बायर्स उसका बहुत आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत भी है ईबे की, कि ईबे के ऊपर है सेलर प्रोटेक्शन, जिसके थ्रू आप बच सकते हैं। सेलर प्रोटेक्शन की वजह से ही मैं ईबे के ऊपर बचा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के फ्रॉड आपके ऊपर हो सकते हैं। ईबे गारंटी में हम चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक ही बायर है जिसने अलग अलग आईडी से सेम प्रोडक्ट सेम एड्रेस पे परचेज किया है। ये एक दूसरा बायर है, और मैं आपको सारी डिटेल दिखाता हूँ किस तरीके के फ्रॉड होते हैं ईबे के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे जो बायर है उसने इमेज प्रोवाइड कराई है मुझे, और इश्यू टाइप आप देख सकते हैं क्या डाला है, आइटम डैमेज। अगर मैं आपको इमेज ओपन करके दिखाऊंगा तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि जो प्रोडक्ट है उसको बायर ने जानबूझ के जो है वो खोला हुआ है और उसको डैमेज दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं, ये ब्रैकेट परचेज किया और इसको पूरी तरीके से खुद से खोल दिया है। ये स्क्रू होता है इस, ये ब्रैकेट का यहाँ से इसने खोल दिया है, जिससे पूरा ये ब्रैकेट खुल गया है, और इस पर इसने क्लेम जो है वो लिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बायर है, ये जो फ्रॉड बायर है, ये इसमें सक्सेस हो गया, इसको ईबे की तरफ से जो है रिफंड मिल गया है। तो इस तरीके के बायर जो है वो ईबे के ऊपर बहुत हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ 2 और हैं, मैं इनको भी आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये सेम बायर है जिसने ये क्लेम किया है। अब देखिए, इसमें जो बायर कह रहा है वो कह रहा है पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिसिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने बहुत ही आसानी से क्या किया है कि एक ब्रैकेट को साइड में रख दिया और फोटो में सिर्फ एक ही ब्रैकेट शो किया है, दिखाने के लिए कि उसको एक ही ब्रैकेट मिला है। तो ये देखिए आप, ये है बायर ईबे का। ठीक है, अगर हम एक और क्लेम की बात करें, इसकी भी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो इस तरीके के बायर्स की ईबे के ऊपर जो है भरमार है। ठीक है, तो ईबे के ऊपर अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, वरना आपको इस तरीके के इशू आ सकते हैं। बायर कोई भी कमेंट करके आपको परेशान कर सकता है ईबे के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है आइटम डैमेज पार्ट डैमेज। ये वही बायर है जिसका मैंने आपको भी दूसरा क्लेम दिखाया था। इसमें इसने ब्रैकेट को खोल दिया है और इसके कुछ पार्ट गायब कर दिए हैं, बाद में इसको फिक्स करके इसने लगा लिया होगा। तो इस तरीके के चोर टाइप के बायर ईबे के ऊपर बहुत हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सबके सब जितने भी बायर्स मैंने अभी आपको दिखाए, इन सबको क्लेम मिल चुका है। हालांकि इसमें पैसा मुझे भी मिला है, वजह है सेलर प्रोटेक्शन। ईबे के ऊपर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, सेलर प्रोटेक्शन। ठीक है, तीसरा जो इशू है ईबे के ऊपर, आप कहीं पे भी अपना जो क्लेम है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ईबे के ऊपर, कहीं कोई ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर आपको कोई भी इशू हुआ है तो आपको बस बायर के साथ कन्वर्सेशन करनी है वीया मेल, फ़ोन भी नहीं चलेगा, मेल पे ही आपको कन्वर्सेशन करनी है, और उस कन्वर्सेशन के ऊपर ही ईबे की टीम डिसाइड करेगी कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। तो ये है फिलहाल ईबे का स्टेटस। अगर ईबे पे आप काम करने जा रहे हैं तो सोच समझ के करिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स तो नहीं है,
लेकिन आपको लॉस होने के चांसेज हैं। अगर कोई ऑर्डर आता है तो शायद आपको उसके अंदर इशू क्रिएट हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पेमेंट रिलेटेड ईबे के ऊपर इशू हो सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ है और भी सेलर्स के साथ हुआ है। अब मैं बता देता हूँ ईबे की लिस्टिंग के बारे में। लिमिटेड लिस्टिंग ही मिलती है, उससे ज़्यादा लिस्टिंग नहीं कर सकते। आप जो ईबे का सेलर सपोर्ट है उसको कॉल करिए, कॉल करके उनको बोलिए तो आपकी जो लिस्टिंग की लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी, आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। बस वो कमीशन के हिसाब से हो जाएगा। जैसे शुरू में जो आपको लिमिटेड मिलता है तो उस पर ईबे आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेता, लेकिन बाद में आपसे फिर वो कमीशन लेने लगेगा। और ईबे पे भी कमीशन जो है वो बहुत अच्छा खासा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए ईबे का कमीशन देख सकते हैं, देखिए 13.5% है, 17% है। तो ईबे भी जो है वो बहुत अच्छा कमीशन लेता है, ठीक है, पैसा पे फीस लेगा प्लस आपसे कमीशन लेगा। तो ये फिलहाल के लिए ईबे पे इतना ही है। बाकी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी ही कि ईबे पे आप किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक तरफ तो मैं आपको इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बताने वाला हूँ। देखिए हमारा काम है बताना कि आप किस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं या किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपकी चॉइस है, आपको करना है या नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, हमारा नहीं। अब मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। A1 Quality पे जो हमारी अपनी पर्सनल वेबसाइट है A1Quality.in, इस पर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे आ जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ड्रॉप शिपिंग की जो फीस है वो अब वन टाइम कर दी है, यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर दोबारा फीस नहीं देनी, आपके लिए लाइफ टाइम फ्री हो जाएगी है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग की जो फीस है वो बहुत ही कम है, ओनली 50 रुपीज़। अभी आप सोच रहे होंगे कि तो फर्स्ट टाइम हम ड्रॉप शिपिंग की फीस क्यों ले रहे हैं। पहले मैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कोई भी फीस नहीं ले रहा था, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे व्यूअर्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था जिनका ड्रॉप शिपिंग से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, और बाद में मुझे उनकी कॉल आ रही थी कि हमें COD प्रोवाइड कराइए ड्रॉप शिपिंग में, जो पॉसिबल ही नहीं होती। इसलिए हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है ड्रॉप शिपिंग रजिस्ट्रेशन में, ताकि हमें पता पड़ जाएगा कि सामने वाला बायर जो है वो जेन्युइन है और वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। दूसरा है सेलर्स के लिए। सेलर्स के लिए देखिए, सेलर्स के लिए हमने 15 दिन का डेमो दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो फ्री डेमो के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम आपको 15 दिन का फ्री डेमो देंगे। आप हमारी वेबसाइट से एफिलिएट बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं एफिलिएट लिंक है फ्लिपकार्ट का, ठीक है। वैसे मैं एफिलिएट बिजनेस करता नहीं हूँ, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं इस पे एफिलिएट बिजनेस भी, अपने हिसाब से वेबसाइट जैसी चाहें वैसी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये भी एक एफिलिएट लिंक है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट या जो भी एफिलिएट आपको जिस भी वेबसाइट से करना हो वो आप कर सकते हैं अपना स्टोर क्रिएट करके। बस मैं आपको ये बता दूं कि जो 15 दिन का फ्री डेमो है उसमें मैं आपको स्टोर बना के नहीं दूंगा। बाकी जो हमारे रजिस्टर्ड सेलर हैं, अगर उन्हें कोई भी इशू आता है स्टोर क्रिएट करने में तो वो मुझे बता सकते हैं। एक फीचर और है वेबसाइट के ऊपर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। आपको रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। हो सकता है उस टाइम मैं ऑनलाइन ना हूँ तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको यहाँ पे आंसर उसका मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जब आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे एज ए यूज़र, तो आप यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उसका वेरिफिकेशन लिंक आपके इसी ईमेल आईडी के ऊपर जाएगा, और जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होगा। अब बात आती है न्यू सेलर्स की, जिन्होंने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, जिन्हें अभी कुछ ही टाइम हुआ है। तो देखिए मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी है, आपने कितनी लिस्टिंग की हुई है। अगर आपके 25-30 प्रोडक्ट हैं, 40 प्रोडक्ट हैं, तो मैं आपको बता दूँ वो कुछ भी नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की। अब उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ अमेजोन पे आप कर सकते हैं, बाकी फ्लिपकार्ट पे आप नहीं कर सकते। आप एक काम करिए, आपके पास जो 25 प्रोडक्ट हैं उनकी डुप्लीकेट लिस्टिंग कर दीजिए, एक ही प्रोडक्ट की 4-4, 5-5 बार लिस्टिंग कर दीजिए, उनकी डुप्लीकेट लिस्टिंग करिए। उनकी मैपिंग भी नहीं करनी है आपको, उनकी डुप्लीकेट लिस्टिंग करनी है। अब बात आ जाती है कि डुप्लीकेट लिस्टिंग होगी कैसे। अगर आप अमेजोन से GTN एग्जम्पशन लेके काम कर रहे हैं तो शायद पॉसिबल नहीं है, आप डुप्लीकेट लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। आप UPC के थ्रू जो है डुप्लीकेट लिस्टिंग कर सकते हैं। अब आप UPC ले कहाँ से सकते हैं, देखिए मैं अपना तो बता सकता हूँ, मैंने UPC कोड जो है वो eBay से परचेज किए थे, आज भी मैं लिस्टिंग UPC कोड के थ्रू ही करता हूँ। आगे आपकी मर्जी है, आप जहाँ से चाहें, आपको जहाँ से सही लगे आप वहाँ से UPC परचेज कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी सजेशन इसमें नहीं दूंगा कि आपको UPC परचेज कहाँ से करने हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जब खुद से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं, या नॉर्मली मैं कहूँ अगर आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें मार्केट में परचेज करने जाते हैं, तो आप किस तरीके के शॉप के ऊपर जाते हैं। यकीनन आप एक ऐसी शॉप के ऊपर जाते हैं जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ आप
की ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिल जाए और आपको किसी अनदर स्टोर के ऊपर ना जाना पड़े। तो सेम यही आपका ऑनलाइन बिजनेस है। अगर आपके स्टोर पे गिने चुने प्रोडक्ट्स हैं, एक या दो कैटेगरी में ही डील करते हैं, आपके जो सेल होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी में डील करने की और ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स रखने की, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में होंगे उतने ही आपके स्टोर की विजिबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट देखिए सीधा सा है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ और आज फिर वही बात कहूँगा कि ऑनलाइन बिजनेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ऑनलाइन बिजनेस शायद आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने शुरुआत की है तो आप बहुत जल्दी क्विट कर जाएंगे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो देखिए इसका थोड़ा सा आज मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दे देता हूँ। आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल एक बेबी की तरह है, एक छोटे बच्चे की तरह है। जब भी कोई न्यू बेबी आता है तो पेरेंट्स की उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बेबी आते ही दौड़ लगाना शुरू कर देता है या आते ही वो जॉब पे लग जाता है, नहीं ना। पेरेंट्स पहले उसका अच्छे से लालन पालन करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी एक टाइम के बाद पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो पूरी हो पाती हैं उस बच्चे के साथ। ठीक इसी तरीके से आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस भी आपका एक बेबी है जो आपने अभी शुरू किया है। अभी आपको इसकी केयर करनी है, ठीक है। अगर आप इसकी केयर करते हैं तो इन फ्यूचर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर ये एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह आपका लॉस भी करते, ठीक है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंस इज़ एवरीथिंग। पेशेंस के बिना आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पहले अपने बिजनेस की केयर करिए, उसको टाइम दीजिए, ठीक है। केयर और टाइम देने का क्या मतलब है मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे बेबी के ऊपर माँ बाप जो है उसके खाने पीने में, उसकी पढ़ाई में खर्चा करते हैं, इसी तरीके से आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरीके से की हुई है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी नहीं की है तो कोशिश करिए आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराइए, ठीक है। आपने फ़ोटोशूट कहाँ से कराया हुआ है। अगर आपके फ़ोटोज़ अच्छे नहीं हैं प्रोडक्ट के तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल नहीं होंगे, उन पर विजिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट अच्छे दिखते हैं वही सेल होते हैं। जब आप भी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे सबसे ज़्यादा डिटेल होती हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होता है, वही प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कोई एक ही प्रोडक्ट होता है जिसे आप परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम यही आपके बिजनेस के साथ है। अगर आपके प्रोडक्ट के फोटोज अच्छे नहीं हैं तो किसी प्रोफेशनल से उसके फोटो शूट कराइए। यही है इन्वेस्टमेंट, यही है केयर आपके बिजनेस की। कोशिश करिए अलग अलग तरीके अपनाइए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के। उसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, कैंपेन मैनेजर का यूज़ करिए। अगर आप बिजनेस की थोड़ी अच्छे से केयर करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि उस पर इश्यूज़ ना हो। अभी उसको आप सीखने के हिसाब से अगर करेंगे, अगर आप बिजनेस को फिलहाल सीखने के हिसाब से करेंगे तो आपको वो इन फ्यूचर बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लगभग फुल रहता है और जल्दी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है उसे मैं बंद करने वाला हूँ। तो जो टेलीग्राम ग्रुप है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।